राधे राधे। आप सभी कृष्ण प्रेमियों को, प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन क्या चढ़ाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। मोस्टली लोग व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं और कोई भी एक पर्टिकुलर मंत्र जपने की बजाय वो बिना, कई लोग तो बिना मंत्र जपे ही व्रत रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुछ मनोकामनाएं हैं जिनको पूर्ण करना है, तो मैं आज आपको बताऊंगा एक छोटा सा मंत्र, उस मंत्र को जाप करें। मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप जन्माष्टमी जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो जाए तो हमें भगवान के किन किन वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। तो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे। और हाँ, मुझे पता है कि मैं लेट हो गया हूँ ये वीडियो बनाने में, इसके बावजूद भी आपको अपनी तत्परता दिखानी है, आप स्वयं कृष्ण के कार्यकर्ता हैं ये दिखाना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा दे जिससे अधिक से अधिक लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो जन्माष्टमी के दिन ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे, 7 तारीख को हम लोग उदयातिथि के तहत 7 तारीख को जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, संकल्प लेके हम व्रत करेंगे और व्रत का संकल्प लेने के बाद में भगवान की पूजा करें। सूतक पहले लग जाएंगे तो भगवान के प्राकट्य के बाद हमको क्या करना चाहिए कि भगवान का जब प्राकट्य हो तो भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, दूध से, दही से, घृत से, शक्कर से और मधु से उनका अभिषेक करें। उसके बाद में जो मेरे ठाकुर जी को विशेष विशेष प्रिय है वो धनिया और पंजीरी का भोग मेरे ठाकुर जी को अवश्य लगाएं। माखन और मिश्री ठाकुर जी को जरूर समर्पित करें। कब? 7 तारीख की रात को 12:02 से 12:48 तक, ये प्रमुख पूजा का समय रहेगा, मुहूर्त रहेगा। और हाँ, इसमें एक और बात बता दूं कि व्रत का पारायण कब करना है, तो 8 तारीख को सुबह 6:02 के बाद आप पारायण कर सकते हैं। वैसे तो कई लोग जन्माष्टमी के बाद, जन्म के बाद, उत्सव के बाद भी व्रत खोल लेते हैं, पर कोई बात नहीं, आप तब चाहें तो तब खोले, पर उचित व्यवस्था यही है, जो श्रेष्ठ व्यवस्था है कि 8 तारीख को सुबह 6:02 के बाद ही पारायण करें। दूसरी एक और चीज कि हम अपने जन्माष्टमी पर ऐसे किस मंत्र का जाप करें जिससे हम सभी को हमारी मनोकामना सिद्ध हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। तो जब तक भगवान का जाप प्राकट्य ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक स्थान पर बैठकर पूजा की सारी तैयारियां करके एक जगह बैठकर हमें भगवान के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कम से कम 1.5 से 2 घंटे इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। एक तो ये हो गया शॉर्ट मंत्र, छोटा मंत्र है, 1.5 से 2 घंटे आप इसका जाप करें। और बहुत सारे क्लेश अगर आपको मिटवाने की इच्छा है कि बहुत सारे क्लेश मिटे, तो एक मंत्र आप इसको याद कर ले, बड़ा है लेकिन इसका एक माला भी अगर आपने मन से की तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। वो है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश, जितने भी क्लेश हैं उनको याद करके अगर आप जन्माष्टमी के दिन इस मंत्र का जाप करते हैं, आप विश्वास मानिए बड़े से बड़े क्लेश नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशहाली आना प्रारंभ हो जाएगी। तो जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। जिन जिन को चाहते हैं कि वो प्रसन्न हो, उनके क्लेश मिटे, उनको आनंद मिले, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। अगेन, भगवान के प्राकट्य महोत्सव की, अजन्मा के जन्म महोत्सव की आप सबको शुभकामनाएं। राधे राधे।